हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हो रिंकी चौहान का व्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ पालम, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है तो सोचा मेहंदी भी लगवा लूँ हाथ में। और पहले मैंने सोचा था मैं साड़ी पहनूंगी, अब मेरा साड़ी पहनने का जो था प्लान वो ड्रॉप कर दिया मैंने। तो मैं सोचूँ कोई सूट ले लेती हूँ ताकि मैं कियान के साथ कंफर्टेबल रहूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद कंफर्टेबल नहीं रहूँगी साड़ी में, तो इसलिए हम लोग मिलेंगे आपको अब डायरेक्ट शॉप पालम में। ओके, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। A few moments later. ये सूट थे जो मैं ट्राई कर रही थी और मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। ये रेडीमेड थे बट ये बहुत ज़्यादा हैवी थे। ये देखने में ऐसा लग रहा कि कलर बहुत प्यारे थे, कलर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर दिखा रहे थे भैया, बट ये इतने हैवी थे कि मुझे साड़ी से भी ज़्यादा हैवी लग रहे थे। बट और करवा चौथ के लिए भी मुझे बहुत हैवी लग रहे थे, क्योंकि मुझे साड़ी ले मतलब साड़ी ही मैंने इसलिए ड्रॉप की थी क्योंकि वो हैवी लग रही थी। मुझे था कि मुझे लाइट ही वेट में देखना है। बट मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे सूट ट्राई किए, बट अभी तो मैंने इनमें से कुछ लिया नहीं। आप देख सकते हो पर तुम्हें तो स्टिच भी करवाने पड़ेंगे। ये तेरा कहाँ बैठा है? ये देख, ये जुम्मन कट साइड में, इसमें एक और फ्लोर ऊपर भी है क्या? ये बहुत प्यारा है भाई से पेटे में। मुझे ये सूट बहुत प्यारा लग रहा था, बट फिर वही मेरे को ये हैवी लग रहा था तो मैंने इसे नहीं लिया। ये मेरी फ्रेंड ने ले लिया था क्योंकि बहुत प्यारा कलर था और मुझे यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पे नहीं लिया। मैंने नॉर्मल कैजुअल सूट लिया और उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए थे और मुझे वहाँ पर मेहंदी लगाने का भी टाइम नहीं मिला। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो आज हो चुका है नेक्स्ट डे। पालम में मैंने मेहंदी नहीं लगवाई। मैंने सोचा था मैं वहाँ पर मेहंदी लगाऊंगी पर मैं वहाँ मेहंदी नहीं लगा पाई। तो अभी हमारी सोसाइटी में कुछ मेहंदी का नीचे फंक्शन है जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है कि जिनको भी मेहंदी लगवानी वो नीचे आके लगवा सकता है। तो मैंने वही सोचा, तो हम लोग तीनों जा रहे हैं। हस्बैंड मेरे यहाँ नहीं है, वो गए हैं बैंगलोर ऑफिस के काम से, तो वो आएंगे फ्राइडे को। तो अब हम तीनों अकेले हैं, हम तीनों को मैनेज करना है। तो हम तीनों जाएंगे, क्यान कहाँ जाएंगे? हम मेहंदी लगवाने। और आप मुझे टंग भी नहीं करोगे? टंग दिखा दो, टंग दिखाओ। ये हाय हाय, तो हम आपको मिलते हैं नीचे जाके। मिस्टी हाय।
चौथ और आपको मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और आज मैं क्या क्या करूँगी वो आपको अपडेट दूंगी। मेरा फाइनल लुक, तो मेरी पूजा हो चुकी है करवा चौथ की और अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि नीचे हो रही है पूजा। मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ और थोड़ी फोटो वगैरह क्लिक करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो चलो चलेंगे, चलो। तो यहाँ पे भी पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि टाइमिंग ही 4:30 से 5:30 का था, तो मैं 5:30 बजे नीचे आई। तो यहाँ पे भी पंडित जी ने पूजा अपनी ख़त्म कर चुकी है। अब सब लोग उठ के दिया वगैरह जला के उठ रहे हैं और अब लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचेंगे एंड देन फिर घर चले जाएंगे। हाय 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 हाय, मेरे चाचा के लिए हाय। मैं लुक ले लेती हूँ झरना का। वाह, हाँ। और अभी का घूमो घूमो, मैं लुक ले रही हूँ वीडियो के लिए। तुम भी घूम लो भाई मेरे, चलो घूमो घूमो घूमो, चलो घूमो। इधर घूमे घुमा ले, पहले घुमा ले। बबीता हाय करो, उधर से हाथ हिलाओ। हाय 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 बबीता। तो मैं आ चुकी हूँ ऊपर और यहाँ पे बन रहा है खाना, दिखाते हैं। बबीता क्या क्या बन गया, मैं दिखाती हूँ बबीता ने क्या क्या बनाया है। बबीता ने बनाया पनीर की सब्जी और ये दाल बनाई है और ये पूरी बनी है और ये खीर बनी है। तो ये हमारा खाना बन चुका है। बबीता तुमने करवा चौथ क्यों नहीं रखा? तो बबीता बना चौचा पमनी। तो ये इनका छठ पूजा होती है और अब फटाफट 8 बज जाए और हम फास्ट तोड़े 4 निकले, उसके बाद हम खाना खाएंगे और फिर जाके रेस्ट करेंगे। तो अभी तक चांद नहीं निकला है, भूख के मारे प्याज के, भूख तो नहीं कह सकती पर प्याज के मारे अब तो सर में भी दर्द हो रहा है। प्याज लग रही है क्यों, प्याज लग रही है? ये जो आपने गंदा करा है ना रूम, हेलो किनो, हेलो किनो, हेलो हेलो, ये जो आपने थर्मामीटर फेंका है नीचे गंदे बच्चे। तो चांद आ गया है, मैंने पूजा कर ली है, अब मैं खाना खाऊंगी और मेरा खाने का मेन्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा डिनर और अब मैं इस ब्लॉग की एंडिंग लेती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, छोटा सा था बट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।